सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम के नाम को लेकर बातचीत की। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा की है। साथ ही पार्टी की तरफ से संगठन के 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा की गई। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जारी सूची में योगी सरकार में मंत्री बने जेपीएस राठौर, एके शर्मा और दयाशंकर सिंह की जगह दूसरे चेहरों को मौका मिला है। बता दें यूपी में भाजपा ने नई टीम का ऐलान कर दिया है और बता दें कि टीम में कई नए चेहरे को मौका मिला है। ये सूची आप देख सकते हैं जिसमें भाजपा की नई टीमों का ऐलान हुआ है। बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनाव को देखते हुए एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो यूपी में बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। साथ ही तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम के नाम को लेकर बातचीत की थी, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम से तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। साथ ही पार्टी की तरफ से संगठन के 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जारी सूची में योगी सरकार में मंत्री बने जेपीएस राठौर, एके शर्मा और दयाशंकर सिंह की जगह दूसरे चेहरों को मौका मिला है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एकदम से तैयारी में जुट गई है, नई टीम का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ जानकारी? देखिए मयूरी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 11 महीने का समय भी बचा हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है अब एक्शन मोड में दिख रही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है, उन्होंने अपनी एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। कार्यकारिणी में कुछ लोगों को जगह दी है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि नए चेहरों को लाने की जगह उन्होंने पुराने जो लोग हैं उनको खासा तवज्जो दी है। जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय के लोगों को ही तरजीह दी गई है। और जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं और कई बार से लगातार विधायक चुने जा सके पंकज सिंह, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और कई लोगों को इस कड़ी में महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष की पद पर जो है वो तैनात किया गया है, ताकि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सके। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की कुल 62 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में इसकी संख्या 72 से ज़्यादा सीटें एनडीए की सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में जीती थी। तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला था। उसके बाद उपचुनाव में आजमगढ़ के उपचुनाव में सीटें जीती, लेकिन इस बार का ये मंत्र होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है, यानी 2014 की अगर बात की जाए तो जितनी सीटें 2014 में जीती थी, अब जाके 2024 में उतनी ही सीटें कम से कम जीती जा सके। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, डिप्टी सीएम से लेके तमाम बड़े पदाधिकारी, ये कहते रहे हैं कि इस बार के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 से ज़्यादा सीटें जीत के इतिहास रचेगी और तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार भी बनाएगी। उत्तर प्रदेश एक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश है और 80 सीटें यहाँ से आती हैं, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश काफ़ी मायने में किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो आम चुनाव की अगर भागीदारी की बात की जाए तो किसी भी पार्टी के लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए हर पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी रणनीति बना के उतर रही है। इसके पहले जो है समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी रणनीति बना के उत्तर प्रदेश की आम चुनाव को लड़ना चाहती है। और तमाम कोलकाता से लेकर लखनऊ तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अखिलेश यादव ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हर सीट पर वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे और लगभग सभी सीटों पर हराने की बात कही
कही जा रही है 50 से अधिक सीटों की बात लगातार शिवपाल यादव, अखिलेश यादव कर रहे हैं। वहीं इस नई टीम से ऐलान के बाद बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि आम चुनाव को लेकर वो कितनी खासी तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अगर बात की जाए तो उसका संगठन काफी एक्टिव रहता है, 24/7 एक्टिव रहने, सक्रिय रहने की बात की जाती है। और हमने फिलहाल कई चुनाव में देखा है कि कोई भी छोटा या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उससे मुंह नहीं मोड़ती है, किसी भी चुनाव को छोटा देख के नहीं लड़ती है। चाहे वो त्रिपुरा का चुनाव हो, चाहे मेघालय का चुनाव हो, जहां हारती भी है वहां लड़ के हारती है। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी लड़ के हारी थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये फिर बदला हुआ है, बदलाव हुए हैं, पुराने लोगों को फिर से जो है जगह दी गई है और कमान संभाली गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूती देखने को मिली है। और भूपेन्द्र चौधरी अपनी टीम को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से ले जा रहे हैं, आम चुनाव में इस टीम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीत कर जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनको मदद करना और केंद्र में तीसरी बार लगातार चुन के आना। विवेक, जैसा कि अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बूथों को भी मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है, जो महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को लगा सकता है, एक व्यक्ति लगा दिया है जो जिम्मेदारी लेके उस बूथ की जिम्मेदारी ले। बूथ पर अगर वोट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी जितने भी चुनाव हमने देखे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो बूथों पे ज़्यादा जोर देती है। किस प्रकार से बूथ पर वोट गिर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे लेके, जिले स्तर पे लेके, क्षेत्रीय दलों के स्तर पे लेके, बूथ स्तर पे लेके, भारतीय जनता पार्टी की अलग रणनीति और तैयारी रहती है। 18 प्रदेश अध्यक्षों का चयन किया गया है और तमाम कानपुर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर लेकर नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जहाँ से लोग निर्वाचित विधायक हैं, जहाँ से लोग प्रतिनिधि हैं, उन सबको जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सभी की हो, सभी अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे वो बूथ लेवल की बात हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल की बात हो, चाहे वो जिला लेवल की बात हो, या फिर वो महानगर लेवल की बात हो, या फिर प्रदेश स्तर की बात हो, सभी की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है। 11 महीने का समय सबके पास है, नई टीम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों पर दाव लगाया है, पुराने चेहरों पर दाव लगाया है, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से हो जाती है। और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बेहतरीन काम करता है, पुरानी रणनीति के साथ काम करता है, योजनाओं के साथ काम करता है। कल ही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ और तमाम जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो अलग अलग जिलों में जाकर एक साल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। इसके अलावा 6 साल 6 दिन का समय जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो गया है और अभी भी 4 साल का कार्यकाल जो है दूसरे कार्यकाल का बाकी है। तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है किसी भी चुनाव को लेकर, उससे कहा जा सकता है कि जितने भी विपक्षी पार्टी है उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा आम चुनाव के लिए, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना ही मायने रखता है जितना 14 और 19 के समय में रखता था। नरेंद्र मोदी आज भी वैश्विक नेता है और आज भी जो है जो उनकी मास अपील है, जो उनकी जनता से अपील है, जनता जैसे उनकी बातों से कनेक्ट होती है, वो प्रभाव आज भी है और आज भी तमाम विपक्षी पार्टियों को इन सब से चीज़ों से बचने के लिए कम से कम एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर पाए। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जहां एक ओर राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो आज कांग्रेस दिल्ली के राजघाट और सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह करेगी। बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा होने के बाद स्पीकर ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह के लिए राजघाट के पास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बता दें राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। लगातार कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है। वहीं बता दें कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था।
और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी मयूरी, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बात करें तो देश के अलग अलग कोने से हल्ला बोल दिया, यानी कि जो सजा हुई इसका पुरजोर विरोध करने लगे हैं। आपको बताएं कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए तानाशाह समेत तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली के राजघाट के सभी मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह का रिकवरी आज कांग्रेस पार्टी, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बताया कि राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पे 12 बजे से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। बात करें तो राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर किए गए टिप्पणी के बाद उन्हें कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 साल की सजा के साथ साथ 15,000 का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही आपको बताया कि 2 साल की सजा पे उनकी लोकसभा सदस्यता पे भी कहीं ना कहीं तलवार लटकते हुए नजर आ रही है। अब तक बात की जाए तो सदस्यता को लेकर बातें चल रही हैं, अभी सदस्यता को लेकर सभापति लोकसभा ओम बिरला की तरफ से कोई भी ऐसा पत्र नहीं जारी किया गया, मगर अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो सकती है, क्योंकि 2 सालों की सजा जिस सदन के सदस्य को होती है उसकी सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में दोषी करार के बाद अब उनके पास अपर अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तलब अपने मामले को लेकर तलब करने की अब आगे की इनकी प्रक्रिया होगी। आपको बताएं कि हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहुल गांधी खटखटा सकते हैं, मगर पूरी तरह से इस कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस मामले को लेकर कल देखा जाए तो राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की थी, इसमें तमाम मुद्दों पर जवाब दिया था। साथ ही आपको बताया कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर देखा जाए तो अलग अलग दलों के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जहां एक ओर राहुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र पर निशाना साध रहे थे, तो आज कांग्रेस दिल्ली के राजघाट और सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या मेन मकसद है कांग्रेस का प्रदर्शन करने का? देखिए, जब से राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है, 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इसके बाद हमने देखा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन पर उतर गए हैं। हमने लखनऊ में भी देखा कि राजभवन में किस प्रकार बिजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जीपीओ पर उनको जाना था, गांधी प्रतिमा पर जाना था, लेकिन शासन प्रशासन जो है उनको वो अनुमति नहीं दे रहा था। इसके बाद लोगों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। पूरे देश में इस बात को लेकर जो है कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन पे हैं, और आज राजघाट पे सुबह 10 बजे से दिल्ली में कई जो है पार्टी के नेता पहुंचने लगे हैं, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो राजघाट पे पहुंच चुकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के अगर माने तो उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। राजघाट में धारा 144 लागू है और तमाम बात जो है इस सत्याग्रह में की जा रही है। जिस प्रकार से लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, राहुल गांधी ने बकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हैं, वो किसी सरकार से नहीं डरते हैं, उनका काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछते रहेंगे। लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि जब से मोडानी का मामला जब से आया है, यानी अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल जब से पूछा गया, दोनों की दोस्ती पर सवाल जब से राहुल गांधी पूछ रहे हैं, जब से जेपीसी की मांग सदन में कांग्रेस कर रही है, तब से जो है राहुल गांधी के लेकर बीजेपी जो है वो ज़्यादा हमलावर नजर आ रही है। और यही एक रीजन है कि अंबानी अडानी के मुद्दे को दबाया जाए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दबाया जाए, मोडानी के मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस का आरोप है कि संसद में
जब भी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं घंटों तक बोलते हैं, लेकिन अडानी के मामले वो चुप्पी साध जाते हैं, अडानी के मामले में एक शब्द नहीं बोलते हैं। लगातार राहुल गांधी ने फोटो दिखाते हुए तमाम, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तमाम जगह की फोटो दिखाते हुए कहा कि इन दोनों की जो है वो दोस्ती बहुत पहले से है, और हर बार जो है हर जगह पे निवेश जो है अडानी को ही मिल रहा है। लगातार कई तीखे सवाल केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने पूछे थे, और ऐसा आरोप कांग्रेस की पार्टी लगा रही है कि जब से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी के बीच एक अजीब सी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। ये जो फैसला आया है लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का, वो इस लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। तमाम तरह की बातें कांग्रेस की पार्टी कर रही है और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना भी साध रही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगा रही है कि सूरत कोर्ट का फैसला सरकार के दबाव में आया है। अगर कई मामले को उठाकर देखा जाए तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।